हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशन और आज आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं लौकी की सब्ज़ी बनाने का तरीका। तो लौकी को हमने हाफ के जी धो कर के छील कर कद्दूकस कर लिया है, देख सकते हैं। और दो बड़े साइज का आलू हमने पतला पतला कट कर लिया है, इसको पानी में हमने रखा है। और इसमें हम प्याज एक बड़ा सा कट कर लिए हैं छोटा छोटा टुकड़ा में। और ये अदरक है, इसको हमने कट किया है। एक हरी मिर्च है और लहसुन एक बड़ा सा हमने उसको छील लिया है। और दो टमाटर हैं, इन सबको हम मिक्सी के जार में पीस लेते हैं। तो पीस करके फिर आपको हम दिखाएंगे, बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाही हमने चढ़ा दिया है, सरसों ऑयल हमने लिया है, ये गर्म है। अब हम आलू इसमें ऐड करते हैं, लाइट ब्राउन होने तक हम भूनेंगे चलाते हुए। थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं और चलाते हुए ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। देख सकते हैं हमारा आलू लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम निकाल लेते हैं इसको और फिर वही कढ़ाई हमारा गर्म है। हम लाल मिर्च को एक डाले हैं इसमें, सूखा है। और थोड़ा सा ज़ीरा है, हाफ टी स्पून। थोड़ा सा मेथी दाना हमने इसमें डाला है और दो तेज पत्ते हमने डाले हैं इसमें। और प्याज को भी डाल देते हैं, कटा हुआ जो था। और ब्राउन होने तक हम भून रहे हैं चलाते हुए। ये ब्राउन हो गया है हमारा प्याज। अब हम इसमें टमाटर, अदरक, मिर्च का जो पेस्ट बनाए थे उसको हम डाल देते हैं। और थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करते हैं, टमाटर के साथ नमक डालना ज़रूरी है। तो हम चलाते हुए भून लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें हल्दी डाल देते हैं, हाफ टी स्पून। इसको भी चला रहे हैं हम, भून रहे हैं साथ में। और थोड़ा सा जीरा काली मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी हम धनिया पाउडर, हाफ हाफ टी स्पून हमने लिया है। और मोदी केयर बेस्ट कंपनी का ये गरम मसाला है, हाफ टी स्पून हम गरम मसाला डालते हैं। बहुत ही अच्छा गरम मसाला है ये। तो हम चलाते हुए भून लेते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, अच्छे से भून जाएगा। चलाते हुए हम भून ले रहे हैं। ये हमारा मसाला भून चुका है। अब हम लौकी को, घिसा हुआ जो लौकी था उसको हम डाल देते हैं। हमने कद्दूकस किया था, इसको मिक्स कर देते हैं और ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देते हैं। हमने इसमें पानी का यूज़ नहीं किया है। तो ये देखिए हमारा पक रहा है, देख सकते हैं अभी भी इसमें पानी है थोड़ा। तो हम आलू को ऐड कर देते हैं, फ्राई किया हुआ। और इसके साथ आलू भी थोड़ा बाकी था गलने के लिए। नमक हम हाफ टी स्पून डाल रहे हैं, आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। तो थोड़ी देर इसको हम पकने देते हैं ढककर, बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। ये देखिए हमारा लौकी का सब्जी बनकर तैयार है। अब हम इसमें धनिया पत्ता को काटते हुए डाल रहे हैं। और कमेंट करके बताएं हमारा ये लौकी का सब्जी आपको कैसा लगा। बहुत ही टेस्टी बना है, देख सकते हैं। इसको हम मिक्स कर दे रहे हैं और गैस को बंद कर देते हैं, फिर निकाल कर आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं किस तरह, देखने में ही लग रहा तो खाने में कितना टेस्टी होगा। चावल और रोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। आप भी इसी तरह से बनाएं और पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।